दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब नीति के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। केजरीवाल ने याचिका लगाकर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी जिसके कारण केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा। कोर्ट ने ये भी कहा कि केजरीवाल की जांच में शामिल न होने और उनके द्वारा की गई देरी का असर न्यायिक हिरासत में बंद लोगों पर भी पड़ रहा है। कोर्ट ने केजरीवाल को फटकार लगाते हुए कहा कि अप्रूवर के बयान दर्ज करने के तरीके पर संदेह करना न्यायालय और न्यायाधीश पर आरोप लगाने के समान होगा। ये कोई पहला या आखिरी मामला नहीं है जब सरकारी गवाह बनाया गया हो। हाईकोर्ट ने कहा कि अनुमोदनकर्ता का कानून 100 साल से अधिक पुराना है, एक साल पुराना नहीं। ये नहीं कहा जा सकता कि इसे वर्तमान याचिकाकर्ता को फंसाने के लिए बनाया गया था। अदालत ने कहा कि केजरीवाल को इस पर सवाल उठाने का अधिकार होगा, पर जब केस के जिरह का समय आएगा तब। कोर्ट ने ये भी कहा कि ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि श्री अरविंद केजरीवाल ने दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची। ईडी के मामले से ये भी पता चलता है कि वो निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर शामिल थे। अप्रूवर को माफी देना ईडी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और ये एक न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायालय ने कहा, यदि आप क्षमा की प्रक्रिया पर संदेह करते हैं तो आप न्यायाधीश पर दोषारोपण कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि ये दलील खारिज की जाती है कि केजरीवाल से वीसी के जरिए पूछताछ की जा सकती थी। ये तय करना आरोपी का काम नहीं है कि जांच कैसे की जानी है। ये अभियुक्त की सुविधा के अनुसार नहीं हो सकता। ये अदालत दो तरह के कानून नहीं बनाएगी, एक आम लोगों के लिए और दूसरा लोक सेवकों के लिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि मुख्यमंत्री सहित किसी के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं हो सकता। केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है और अदालत को चुनाव के समय की परवाह किए बिना कानून के अनुसार उनकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच करनी होगी। ईडी की ओर से किसी भी दुर्भावना के अभाव में आम चुनाव से पहले गिरफ्तारी के समय केजरीवाल की चुनौती टिकाऊ नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि इस कोर्ट के सामने जो मुद्दा है वो राजनीतिक दलों के नहीं बल्कि जांच एजेंसी के मुद्दों पर विचार करता है। एक अदालत को निष्पक्ष होना चाहिए और कानून के अनुसार मामले का फैसला करना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि ईडी हवाला के रूप में पर्याप्त सामग्री रखने में सक्षम थी, जिसमें सरकारी गवाह के बयान भी शामिल हैं कि उसे गोवा के चुनाव के लिए नकद पैसा दिया गया था। गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है, रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता। शराब नीति के मामले में ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। ईडी हिरासत के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था, जिसके बाद इस गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की ओर से याचिका दायर की गई थी। लेकिन जब कोर्ट में ये सब बातें कही गईं, तब जगह जगह चिल्लाने वाले अरविंद केजरीवाल की बोलती बंद थी।